अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले अहम खबरों पर एक नजर। 4 दिसंबर से 10 दिन बेलगाम में विंटर सेशन होगा, जिसकी तैयारियां शहर में देखने को मिल रही। तमाम होटल मालिकों को बुलाकर डीसी ने मीटिंग तलब फरमाई, लिहाजा 10 दिन बेलगाम शहर में नेताओं की चहल पहल देखने को मिलेगी और साथ में आवाम को भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सड़कों को रोकने की वजह से परेशानियां भी उठानी पड़ सकती है। जनवरी 5 से बेलगाम में रोटरी क्लब की जानिब से अन्नोत्सव रखा जाएगा। हर साल रखा जाता है, लिहाजा इस बार भी अन्नोत्सव रखने का ऐलान किया गया। इसके सदर जयदीप सिद्धनौर ने बताया कि सिपयार्ड ग्राउंड में अन्नोत्सव रखा जाएगा। वाज रहे पिछली मरतबा अंगड़ी कॉलेज के करीब नानावाड़ी में रखा गया था, लेकिन इस बार फिर से सिपयार्ड में रखने का फैसला लिया गया, ऐसा बताया गया। अलीगट्टी देहात से मिर्च भरकर बेलगाम बाजार की तरफ आ रही ऑटो रिक्शा को तेज रफ्तार कार ने ठोकर मारने से हौदा रिक्शा पलट गया, जिससे ऑटो का काफी नुकसान हुआ और मिर्च भी खराब हुई। ये वारदात हालगा के करीब पेश आई। बेलगाम वैसे स्मार्ट सिटी की फहरिस्त में तो है ही, लेकिन स्मार्ट सिटी 2 के लिए भी अर्दाश पेश की गई है। पूरे मुल्क में 18 शहरों को इसमें दाखिल किया जाएगा, लिहाजा बेलगाम शहर को भी स्मार्ट सिटी 2 की फहरिस्त में दर्ज कराने के लिए स्मार्ट सिटी अफसरान और कारपोरेशन बेलगाम के अफसरान दिल्ली रवाना हुए। स्मार्ट सिटी के लिए 100 शहरों को मुंतखब किया था 2016 में और बेलगाम भी स्मार्ट सिटी की फहरिस्त में शामिल किया गया था। अभी तक स्मार्ट सिटी का काम मुकम्मल हुआ नहीं है और स्मार्ट सिटी 2 की तैयारियां जारी है, ये भी अजीब कह सकते हैं। दिवाली में पूजा के लिए जेवरात पर ही चोरों ने हाथ साफ किया। बेलगाम शहर के नेसरगी गांव में एक ही रात में 6 मकानों में चोरी कर 11 लाख के कीमती एवज चोरी किए गए। पुलिस तफ्तीश जारी है। साबिक वजीर आला और जेडीएस के मुखिया कुमार स्वामी पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। बेस्कॉम की जानिब से जयनगर बेंगलोर पुलिस थाने में मामले को दर्ज किया गया। जेडीएस के दफ्तर पर बिजली चोर कुमार स्वामी के पोस्टर चस्पा किया गया, जिस पर लिखा है कि फिलहाल 200 यूनिट मुफ्त बिजली है, ज्यादा चोरी न करे कुमार स्वामी, ऐसा लिखा है। बेलगाम कारपोरेशन की जनरल मीटिंग 29 नवंबर को होगी, जिसमें किस पर चर्चा होगी अब तक इसका एजेंडा तय नहीं किया गया, लिहाजा दिसंबर में अधिवेशन होने की वजह से मीटिंग लेने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए नवंबर में ही मीटिंग तलब फरमाई गई, ऐसा बताया गया। अब आज के अहम मौजू की तरफ बढ़ते हैं। हमने इससे पहले भी कहा था कि जब समाज ही बेइज्जत हो जाता है तो उसका बचना काफी मुश्किल हो जाता है, खासकर फिरका परस्तों की जानिब से मुस्लिम खवातीनों को निशाना बनाया जा रहा है। इसे अलग से बोलने की जरूरत नहीं है और जाहिर है मुस्लिम समाज के खिलाफ आसानी से कोई भी मंसूबा साजिश को अंजाम देना इसलिए भी आसान है क्योंकि यहाँ इस पर कभी तवज्जो दी ही नहीं जाती। आज एक और चुनौती मुस्लिम खवातीनों के सामने खड़ी नजर आ रही है और वो है डीप फेक ऐप। अब ये ऐप क्या है और इसका क्या काम है, इसे समझने से पहले मुसलमानों को लेकर किन साजिशों को अब तक अंजाम दिया गया और कैसे मुसलमान इसमें फंसते भी जा रहे हैं, मोबाइल हो या जितने भी नए तकनीकी ऐप समाज में आ रहे हैं, इनका फायदा और नुकसान दोनों है। और अगर इसी समाज को मुसलमानों के पस मंजर में देखा जाए तो हर तकनीकी के तौर पर मोबाइल कंप्यूटर या लैपटॉप या जितने भी ऐप बनाए जा रहे हैं, फिरका परस्त इसका इस्तेमाल मुस्लिम खवातीनों को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले सोशल मीडिया पर मुस्लिम लड़कियां खवातीनों की तस्वीरों को एडिट करके सुल्ली डील्स बुल्ली बाई ऐप में तस्वीरों की बोली लगाई जा रही थी। अब इसके पीछे उनका क्या मकसद था ये भी सामने आ गया। इसके जो बनाने वाले थे ओंकारेश्वर ठाकुर और नीरज बिश्नोई महज 20-22 साल के नौजवान थे, जिनमें मुसलमानों को लेकर जहन में दुश्मनी भरी गई थी, नफरत थी। इन्हें हिरासत में लिया गया और पहला जुर्म कहकर जमानत भी दी गई। एक लड़की श्वेता सिंह भी इसमें शामिल थी और लगभग सभी कॉलेज में पढ़ने वाले तालिबे इल्म ही थे, लेकिन किस जहनियत से मुतासिर थे इसे समझने की जरूरत है। कल ही हमने उड़पी की वारदात पर तबसरा किया था, इन्हें पढ़े लिखे लोग भी अब नफरती जहनियत यानी इस्लामी फोबिया से मुतासिर हैं। बेलगाम में ऐसी कई मुस्लिम लड़कियां हैं जो भगवान लव ट्रैप के जाल में फंस कर मुर्तद हो चुकी है। खैर, डीप फेक ऐप एक नया हथियार फिरका परस्तों के हाथ लग गया। डीप फेक ऐप किसी भी वीडियो में चेहरा बदला जा सकता है, जिसे पहचानना भी काफी मुश्किल हो जाता है। इतनी सफाई से इस ऐप में चेहरे बदले जाते हैं जिससे थोड़ा भी शक नहीं हो सकता कि वीडियो में चेहरे बदल दिए गए। हाल ही में 6 नवंबर को एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का एक डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वारदात के बिल्कुल एक दिन बाद ही एक्ट्रेस कटरीना कैफ का डीप फेक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लेकिन यह सिर्फ एक दो फोटो वीडियो का मामला नहीं है, बल्कि इंटरनेट फिल्मी अदाकारों के डीप फेक वीडियो से भरा पड़ा है। पहले बात फिल्मी अदाकारों तक ही महदूद हुआ करती थी, सिर्फ हीरोइनों तक ही अब भी महदूद है कहना गलत साबित हो रहा है। डीप फेक वीडियो का एक काला कारोबार खवातीन, लड़कियां, सियासी खवातीन,
इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर एक्टिविस्ट साफियों तक पैर पसार चुका है। अब फिरका परस्त मुस्लिम खवातिनों को निशाना बनाने की फिराक में ऐसी इत्तला हासिल हुई है। यूट्यूब सर्च बार में डीपफेक टाइप करेंगे तो सजेशन आएंगे, डीपफेक टेक्नोलॉजी, डीपफेक वीडियो कैसे बनाए, डीपफेक ऐप, डीपफेक ट्यूटोरियल, डीपफेक वीडियो एडिटिंग, डीपफेक AI बोट, हाउ टू डीपफेक, यानी यूट्यूब पर बड़ी तादाद में लोग ऐसे वीडियोस की खोज कर रहे हैं जो डीपफेक वीडियो बनाना सिखा पाए। डीपफेक वीडियो बनाने की ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। अब तक डीपफेक के मामले दिगर ममालिकों तक ही महदूद थे, लेकिन रश्मिका के डीपफेक वीडियो के बाद भारत में भी इस तरह की वीडियोस बनाए जाने की बात सामने आ चुकी है। अब सबसे पहले मुस्लिम लड़कियां या खवातिनों को ही निशाना बनाने का कयास लगाया जा रहा है। ये सोफिस्टिकेटेड तकनीक अब आसानी से हर किसी को हासिल है और बिल्कुल मुफ्त भी है। बस आपके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट होना चाहिए। आपको बस किसी का भी फोटो या वीडियो इस ऐप पर अपलोड करना है। इसके बाद सारा काम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देगी। इस एडिटेड वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर शेयर किया जा सकता है। इतनी आसान ये तकनीक है। आज से कुछ साल पहले तक इस तरह के सोफिस्टिकेटेड फेक वीडियो बनाना होता तो बहुत मुश्किल होती थी और मेहनत भी लगती थी, और फिर भी इस तरह के वीडियो नहीं बन पाते थे। लेकिन आज ये कम बिल्कुल लम्हों में किया जा सकता है। डीपफेक वीडियो जो अभी मौजूद हैं, इसमें 90% फहश वीडियो यानी कि पोर्न वीडियोस बताए जा रहे हैं, यानी किस कदर चौकन्ना रहना है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। अब जिस समाज को निशाना बनाया जा रहा है उस समाज की हालत क्या है? दूसरा पहलू यह है कि मुस्लिम लड़कियां अब तो खुलकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं। अब तो कुछ लड़कियों को देखा जा रहा है कि दो दो फोन इस्तेमाल करते हुए देखने को मिल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। वैसे भी अब मुसलमानों के पास रुपया तो है ही, बच्चों को बड़े स्कूल कॉलेजेस में डालने से मना नहीं कर रहे, पर क्या हमारी लाडली या लाडला कुछ ढंग का काम भी कर रहे हैं? इस पर भी तो ख्याल रखना चाहिए। हासिल इत्तला के मुताबिक शादीशुदा मुस्लिम औरतें भी जमकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं। अब तो मर्दों का कंट्रोल भी तो नहीं रहा। खैर, इस नई नौसत से बचने के लिए सच कहा जाए तो मुस्लिम समाज के पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि डीपफेक क्या है यही मालूम नहीं है। अब जब साजिश क्या है इसका ही इल्म ना हो तो बचने के लिए तदाबीर क्या इस्तेमाल किए जा सकते हैं? लिहाजा मुसलमानों को, मुस्लिम समाज को चारों तरफ से घेर लिया जा रहा है और घिर भी गया है। भारत में तो मुसलमानों के मसाइल इतने हैं कि दुश्मनों की साजिशों को लेकर सोचने का वक्त ही नहीं है। जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुस्लिम खवातिनों लड़कियों को फंसाने के लिए नए नए मंसूबे बनाए जा रहे हैं, वही मुसलमान खुद ही ऐसी टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनकर खुद ही ट्रैप होता रहता है। दुश्मनों के बच्चे कम उम्र में मुसलमानों की बर्बादी के मंसूबे अंजाम देने में मसरूफ रहते हैं, और इधर मुसलमान खुद ही बर्बाद होने के लिए तैयार बैठा है। उसे पता ही नहीं कि सामने किस तरह के जाल बुने जा रहे हैं। आप सिर्फ मुस्लिम मोहल्लों का जायजा लेकर देखिए, यहाँ तो अलग ही दुनिया में लोग जी रहे हैं। उलमाओं का अपना अलग मौकूफ है, मसलकों के मेले ठेले अलग से लग रहे हैं, नौजवान नस्ल अलग दुनिया में है, शादीशुदा मर्द खवातीन के मसाइल अलग हैं, तलाक खुला की नौसत अलग से मिल्लत को खा रही है, बचा कुचा तबका झूठ कीना कपट बदमाशी में लगा हुआ है, सबको दौलत की हिर्स ने एक तरह से निगल ही लिया है, और इन तमाम में मिल्लत कहाँ टिक पाएगी? हालात आने से पहले ये लोग समझौता करने के लिए तैयार हैं, मुकाबला करने की जरूरत तो दूर की बात, लड़ना तो किसी को है नहीं, तो हथियार डालकर हिकमत कह देना सबसे बेहतर, और इसकी तमाम दलीलें भी आपको दी जाएंगी। यानी हमारे पास हर सवाल का, हर मसले का हल मौजूद है। अब हालात किस दिशा में जा रहे हैं, हम क्या तैयारियां कर रहे हैं? उलमा अवाम को जिम्मेदार ठहराती है तो अवाम उलमाओं को जिम्मेदार ठहराती है। अब डीपफेक हो या इससे पहले बुल्लीबाई सुल्ली डील ऐप पर मुस्लिम लड़कियां खवातिनों की बोली लगाई जाती थी, कितनी आवाज उठाई गई और कितने खुतबों में हमने इसका जिक्र किया। अगर डीपफेक के जरिए और भी मुस्लिम खवातिनों के बराना वीडियोस वायरल हुए तो आवाज कौन उठाएगा? क्योंकि समाज में हो रही तब्दीलियां तगयुरात का इल्म हमें नहीं है, क्योंकि हमने अपने मसाइल ही अलग बना लिए। और वक्त खाली मिला तो फिर फलस्तीन पर बातें करेंगे, पहले हमारे मुल्क में हमारे साथ क्या रवैया किया जा रहा है इसका तो इल्म रखे, फिर दुनिया की फिक्र करना। लिहाजा मुस्लिम लड़कियों को, कॉलेज तलबाओं को निशाना बनाकर हिंदू बनाने की साजिश दोरों पर है। पहले डीपफेक के जरिए फहश वीडियो बनाए जाए, फिर बदनामी के तौर पर ब्लैकमेल किया जाएगा, इस तरह उसे बाजारू कर दिया जाता है। मजहब तब्दीली, धर्म परिवर्तन, लव जिहाद का हुआ, केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल जैसे नैरेटिव सेट करने वाली फिल्में, या सड़कों पर मुसलमान होने पर मॉब लिंचिंग, कारोबार का बायकॉट करना, नौकरियां न देना, मुस्लिम मोहल्लों को अलग थलग करना, और इन तमाम के बीच मुसलमान कहां खड़ा है? मस्जिदें मुसलमानों की पार्लियामेंट है। हालात से आगाह आप नहीं किया गया तो फिर कब? वक्त आने के बाद संभल नहीं पाओगे। इल्म का नशा हमारे जहनों पर चढ़ चुका है। कॉलेजेस, अस्पताल, तालीमी इदारे, तंजीमें जो सोच रहे ठीक है, पर जिन साजिशों के जाल बिछाए गए हैं इसका एहसास या इसका इल्म भी जरूरी है।
पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कहीं पर भी एहसास नजर नहीं आ रहा और बेहिसी समाज को एक दिन ले डूबेगी, इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।